देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेस न्यूज और आपके साथ हूं मैं प्रतिभा ज्योति। आज बात करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम कॉर्बेट पार्क की ब्रांडिंग कर दी है और क्या इससे लोगों में पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ेगी। मैन वर्सेस वाइल्ड में प्रधानमंत्री मोदी के साथ शूट हुआ एपिसोड कल रात डिस्कवरी चैनल पर टेलीकास्ट हो गया। दुनिया के 180 देशों में इस कार्यक्रम को देखा गया। इस दौरान जो होस्ट थे बेयर ग्रिल्स और पीएम मोदी ने अपने जीवन से जुड़े कई राज खोले। इस शो को लेकर फैंस में काफी उत्सुकता थी। लोग सुबह से ही इस एपिसोड के टेलीकास्ट होने का इंतजार कर रहे थे। वहीं कई बीजेपी नेताओं ने ट्वीट कर बताया कि नेचर को समझना हो तो पीएम मोदी के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड का यह खास एपिसोड देखना नहीं भूलें। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि भारत में हरे भरे जंगल, विविधतापूर्ण वन्य जीवन, सुंदर पहाड़ियों और बड़ी नदियों को देखना है, इस एपिसोड को मेरे साथ देखिए। इस शो की पॉपुलैरिटी कैसी रही कि इसे ऐसे समझिए कि जैसे ही इस शो को दिखाया गया, ये शो ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। ट्विटर पर हैशटैग मैन वर्सेस वाइल्ड दुनिया में दूसरे नंबर पर और भारत में पहले नंबर पर ट्रेंड करता रहा। यह खास एपिसोड पर्यावरण परिवर्तन संबंधित मुद्दों पर आधारित था। अब पहले बात करते हैं शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स की। बेयर ग्रिल्स की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिन्होंने जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और समंदर सब कुछ नाप लिया है, और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एडवेंचर करते हुए भी काफी खुश नजर आ रहे थे। 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके ग्रिल्स एडवेंचर की अपनी धुन में कई बार अपनी जान जोखिम में भी डाल चुके हैं। एक दो बार तो वह मरते मरते भी बचे। ज्यादातर एपिसोड में यह दिखाया गया है कि ग्रिल्स को दुर्गम जगहों पर छोड़ दिया गया और वे उन स्थानों पर, उन दुर्गम परिस्थितियों में जो वहां के सीमित संसाधन है, जो उपलब्ध संसाधन है, उसके सहारे जीवित रहे और बाहर आए। ग्रिल्स ने जब इस शो के बारे में खुलासा किया तो उन्होंने ट्विटर पर इसको लेकर एक वीडियो भी शेयर किया और बताया कि 180 देशों के लोग पीएम नरेंद्र मोदी का वो पक्ष देखेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वे पशु संरक्षण और पर्यावरण परिवर्तन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जंगल में जाने का साहस दिखाएंगे। वहीं पीएम ने शो के दौरान पर्यावरण पर खूब बातें की और कहा कि हम अपने मजे के लिए प्रकृति का दोहन करते हैं और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। मैं आपके लिए इसको मेरे पास रखूंगा। अब बात करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने जिम कॉर्बेट पार्क में इस शो की शूटिंग करके इसकी ब्रांडिंग कर दी है। इस शो की शूटिंग फरवरी में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई। यह पार्क दुनिया भर में बाघ समेत दूसरे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक आदर्श मॉडल की तरह है। यहाँ 250 से ज्यादा बाघ हैं। शो के दौरान प्रधानमंत्री ने कॉर्बेट पार्क की खूबसूरती को भी सराहा और कहा कि यहाँ पहाड़, नदियाँ, तालाब, जंगल, वन्य जीव सब कुछ है। प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए यह जगह बेहद खास है। बेयर ग्रिल्स के साथ शो में हिस्सा लेकर पीएम ने कॉर्बेट नेशनल पार्क की ब्रांडिंग कर देश दुनिया का ध्यान इस तरफ खींच लिया है। अधिकारी कह रहे हैं कि मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए पूरे विश्व में कॉर्बेट पार्क की ब्रांडिंग कर दी है और वे मानते हैं कि वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रति उनके प्रेम से पूरी दुनिया में एक सकारात्मक मैसेज गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस शो में हिस्सा लेने के बाद लोग बड़ी संख्या में अब इस पार्क को देखने आएंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गुफा की ब्रांडिंग कर चुके हैं। वे इसी साल मई में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद केदारनाथ के पास एक गुफा में रात्रि विश्राम के लिए गए थे और दुनिया भर में इस गुफा की चर्चा हो गई। उसके बाद इसकी बुकिंग के लिए लोगों में मारामारी हो गई। अधिकारियों ने बताया कि शूटिंग के दौरान और उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां काफी खुश नजर आ रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक पीएम ने कैमरे का सामना बहुत सहजता से किया और एक बार भी रीटेक नहीं लिया। बताया जाता है कि पीएम बेयर ग्रिल्स से पहले कभी नहीं मिले थे और उनकी पहली मुलाकात इस शूटिंग पर ही हुई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी डिस्कवरी के मैन वर्सेस वाइल्ड शो में दिखाई दे चुके हैं। उस दौरान ओबामा ने भी क्लाइमेट चेंज, वन्य जीवों जैसे कई अहम मुद्दों पर बात की थी। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पर्यावरण का क्या संबंध है। नरेंद्र मोदी पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। इसकी झलक कई बार उनके कामकाज और योजनाओं में मिल चुकी है। शो के दौरान ग्रिल्स ने पीएम से पूछा, आपका प्रकृति से जुड़ाव का कारण क्या है? इस पर पीएम ने बताया कि जब मैं छोटा था तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरे चाचा ने सोचा कि चलो चूल्हा जलाने की लकड़ी का बिजनेस किया जाए।
इस पर मेरी दादी ने नाराजगी जताई और कहा कि भूखे मर जाएंगे लेकिन लकड़ी नहीं बेचेंगे। बस यहीं से प्रकृति से जुड़ाव के संस्कार मुझे मिले। यह प्रकृति के प्रति पीएम का लगाव ही था कि 17-18 साल की आयु में वे घर छोड़कर हिमालय पर वक्त बिताने चले गए। उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के नजदीक गरुड़ चट्टी स्थित गुफा में साधना भी की है। शो के दौरान पीएम ने बताया कि जीवन का वह अनुभव आज भी उनके काम आ रहा है। 2013 में आई आपदा में केदारपुरी के तबाह होने के बाद नई केदारपुरी का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रहा। इस बार 5 जुलाई को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी करके लोगों से प्रकृति के प्रति प्रेम जताने को कहा और कहा कि लोग इस बार रिकॉर्ड तोड़ पौधारोपण करें। ये प्रधानमंत्री की ही पहल थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन की मेजबानी भारत को सौंपी। इस आयोजन से पहले मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी भारत को मिलना यह साबित करता है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर भारत की नेतृत्व क्षमता को विश्व समुदाय ने स्वीकार कर लिया है। पीएम मोदी को यूएन का सर्वोच्च पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिल चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटारेस ने पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री का यह प्रेम देखकर ऐसा लगता है कि मानो भारत जल्दी ही उन देशों में शुमार हो जाएगा जो अपने पर्यावरण के लिए बहुत चिंता करते हैं। तो ऐसे में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम में शामिल होने से भारत उन देशों में शुमार हो जाएगा जो वाकई पर्यावरण को लेकर बहुत फिक्रमंद है। पहला सवाल है कि क्या बेयर ग्रिल्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद लोगों में पर्यावरण, अपनी धरती, अपनी वन संपदा, वाघों और वन्य जीवों को बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड लेते समय पीएम ने कहा था कि क्लाइमेट की चिंता जब तक कल्चर का हिस्सा नहीं होती तब तक कैलेमिटी से बच पाना मुश्किल है। तो क्या पर्यावरण की रक्षा करना अब हमारे कल्चर का हिस्सा बनेगा? क्या हम ये मानें कि यह सरकार पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच एक संतुलन स्थापित करने के लिए कोई ठोस पहल करेगी? दुनिया भर में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। भारत में भी यह समस्या विकराल होती जा रही है। कई बार तो हालात आपातकाल जैसे बन जाते हैं। मोदी सरकार ने इस बात को अब गंभीरता से लिया है और पर्यावरण मंत्रालय ने अपने 100 दिनों के एजेंडे के तहत आबो हवा को सुधारने के लिए एक मसौदा तैयार करने में जुटा हुआ है। तो क्या हम ये माने कि अब इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? पर्यावरण संबंधी रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए क्या योजनाएं शुरू होंगी जिससे अधिक से अधिक लोग जो हमारे समय में अभी जो गंभीर चुनौती है हमारे सामने उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाएं? हम ये उम्मीद तो ज़रूर कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम देखने के बाद जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं, जो उनके फैन फॉलोअर्स हैं, उनमें और पूरे देशवासियों में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक प्रेम तो ज़रूर जगेगा। आप बने रहिए हमारे साथ HS न्यूज़ पर। आप लेटेस्ट खबरों के लिए आप HS.News पर भी जा सकते हैं। और हाँ, आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स या बिजनेस से जुड़े अच्छे वीडियोज़ देख पाएंगे। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS न्यूज़, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।